बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को पटना एयरपोर्ट से लेकर पार्टी मुख्यालय तक भव्य स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हाथी घोड़े और ढोल बाजे के साथ परेड करते हुए उनके साथ प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। और इन सब के बीच राजधानी में पोस्टर की राजनीति भी गर्म हो गई है और वीरचंद पटेल मार्ग पर कार्यकर्ताओं के द्वारा एक पोस्टर खास चर्चा में है। पोस्टर में लिखा गया है कि बिहार का योगी आ गया है सम्राट भैया, एक अन्य मार्ग खाली करो, खाली करो। माफिया अतीक अहमद लगभग 4 साल बाद प्रयागराज पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उसे अप्रैल 2019 में गुजरात की साबरमती जेल भेजा गया था। साबरमती जेल से उसके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रयागराज कोर्ट में पेशी होती थी। अब 28 मार्च को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को उमेश पाल के अपहरण के मामले में हो रही सुनवाई में शामिल होना है। हेमंत सोरेन कैबिनेट के 44 फैसले, रांची में ट्रांसपोर्ट नगर सिमडेगा खूंटी के सभी प्रखंडों तक पहुंचेगा इंटरनेट। तो झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक में 44 फैसलों को मंजूरी दी। इसमें से रांची में ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण के अलावा सिमडेगा खूंटी के सभी प्रखंड मुख्यालयों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आधारभूत संरचना का विकास शामिल है। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर कथित हिंसा का फर्जी वीडियो शेयर करने के मामले में आरोपित यूट्यूबर मनीष कश्यप की 5 दिनों की रिमांड अवधि पूरी सोमवार को पूरी हो गई है, और जिसके बाद सोमवार की शाम उसे वापस लेकर बेउर जेल भेज दिया गया है। और आर्थिक अपराध इकाई को पहले 1 दिन और फिर 4 दिनों के लिए मनीष कश्यप का रिमांड मिला था, जो कि सोमवार को पूरा हो गया। अब तमिलनाडु पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेने की तैयारी में जुटी हुई है। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर कार्रवाई को लेकर राजनेताओं की ओर से लगातार बयान आते रहे। उमेश पाल की मां शांति देवी टीवी पर दिए अपने बयान में कहा कि अतीक अहमद को सजा मिलने से क्या होगा, जिस तरह मेरे बेटे को मारा गया है उसी तरह इसका भी एनकाउंटर होना चाहिए। पत्नी जया पाल का कहना था कि जब तक अतीक अहमद और उसके पूरे परिवार को सजा नहीं मिलेगी तब तक हमें सुकून नहीं मिलेगा। भाजपा सांसद सुप्रत पाठक ने एक बार फिर अतीक को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अतीक अहमद यूपी पहुंच चुका है और गाड़ी को पलटना होगा तो पलट ही जाएगी। उन्होंने कहा, मैं तो चाहता हूं कि गाड़ी पलट जाए। सत्ता के संरक्षण से अतीक अहमद आगे बढ़ा है और अतीक अहमद को कठोर सजा मिलनी चाहिए। रामनवमी पर भड़काव मैसेज भेजने पर ग्रुप एडमिन व आरोपी पर होगी कार्रवाई, जुलूस पर ड्रोन से रखी जाएगी नजर। तो झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के डीसी अरवर राजकमल ने बताया कि रामनवमी को लेकर जिले में 3 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। 3 पालियों में मॉनिटरिंग के लिए पदाधिकारी व कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। जुलूस वाले मार्ग पर ड्रोन कैमरे से निगरानी होगी। इधर पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त विजय यादव ने बताया कि शहर में लाइट सड़क किनारे बिछाए गए पेवर्स ब्लॉक की मरम्मत के साथ नालों की सफाई की जा रही है। कुल 15 ड्रोन की मदद से निगरानी होगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सरकार द्वारा आवंटित बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया है। लोकसभा से आयोग घोषित होने के बाद अब लोकसभा आवास समिति ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सरकार द्वारा आवंटित बंगला खाली करने का नोटिस दिया है। दिनांक 23/4/2023 से शासकीय बंगले का आवंटन निरस्त हो गया जाएगा। कोलकाता में द्रौपदी मुर्मू के लिए सिविक रिसेप्शन प्रोग्राम, ममता बनर्जी ने दी आदिवासी नृत्य की प्रस्तुति। तो पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। महामहिम द्रौपदी मुर्मू के लिए नेताजी इंडोर स्टेडियम में सिविक रिसेप्शन प्रोग्राम रखा गया था और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तापसी पन्नू के खिलाफ इंदौर थाने में शिकायत दर्ज, धार्मिक भावनाएं आहत करने का लगा आरोप। थाना प्रभारी कपिल शर्मा ने संवाददाताओं को बताया कि स्थानीय संगठन हिंद रक्षक के संयोजक एकलव्य सिंह गौड़ ने हमें शिकायत की है कि तापसी पन्नू ने मुंबई में कुछ दिन पहले एक फैशन शो के दौरान अंग प्रदर्शन करने वाले परिधान के साथ एक ऐसा हार पहना था जिसमें देवी लक्ष्मी की छवियां उकेरी गई थी। लालू यादव बेटे तेजस्वी के 7 पोती से मिलने पहुंचे अस्पताल, गोद में लेकर कहा। तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव
सोमवार की शाम अपनी पोती से मिलने के लिए तेजस्वी यादव के साथ अस्पताल पहुंचे। वहां राबड़ी देवी पहले से मौजूद थी और लालू यादव ने गोद में लेकर अपनी पोती को कहा कि कभी कभार अनुभूति होती है कि नाती पोती आपकी आत्मा का भी थोड़ा सा हिस्सा आपसे ले लेते हैं।